हेलो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बहुत सारे इंजीनियर्स का कन्फ्यूजन होता है कि डी स्क्वायर बाय 162 जो कि हम यूनिट वेट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं उसका डेरिवेशन क्या होता है। और उसी के साथ साथ आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल प्रोजेक्ट स्टील कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर आकाश बोर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी पे, जहां पर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियर्स के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक वन होने वाला है दैट इज डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट विथ यूनिट वेट डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि कौन कौन से डाय के रेनफोर्समेंट हम यूज़ करते हैं। सो हमारे इंडस्ट्री पे हम जो यूज़ करते हैं दैट इज 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm डाया, 20 mm, 25 mm, 32 mm एंड 36 mm। ये स्टैंडर्ड डाया ऑफ बार्स हमारे इंडस्ट्री पे चूँकि हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर यूज़ करते हैं। 36 से भी अबव डायमीटर ऑफ बार यूज़ हो सकते हैं, लेकिन वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं, वो ऑन डिमांड बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इस पार्ट के डेरिवेशन के लिए, जो ये अलग अलग रेनफोर्समेंट के डाया है इसका यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि यूनिट वेट ऑफ बार का फॉर्मूला क्या होता है। वेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब यहाँ पर हमने कहा है यूनिट वेट, तो यूनिट का मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रेनफोर्समेंट बार है, इसका हमने यूनिट यानी कि एक यूनिट 1 मीटर का रेनफोर्समेंट का, जो हमारे 12 मीटर की टोटल रेनफोर्समेंट आती है उसका 1 मीटर हमने यहाँ पर काट के रख लिया है। 1 मीटर का अब हमें इस रेनफोर्समेंट का वेट कैलकुलेट करना है वो कितना होगा। तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अगर मैं इसको और डिस्क्राइब करूँ तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है एरिया इनटू लेंथ। एरिया यानी कि 2 यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, और लेंथ एक और यूनिट यानी कि मीटर। एरिया होता है मीटर स्क्वायर में और लेंथ होता है मीटर में, दैट मीन्स मीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम और इसकी डेंसिटी। तो अब हम इसको और एक्सटेंड करते हैं, दैट इज एरिया की अगर मैं बात करूँ, अभी हमारे सर्कुलर बार है तो सर्कुलर बार का जो एरिया होता है दैट इज पाई बाय 4 into d square। इस चीज़ को खास ध्यान रखना है, क्लियर है। तो यहाँ से हमने एरिया का फॉर्मूला निकाल लिया, उसके बाद लेंथ, तो यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी हमने काट के रखी 1 मीटर लेंथ के लिए, हम यूनिट लेंथ के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने रख लिया 1 मीटर इनटू डेंसिटी, हमारी जो स्टील की होती है वो होती है 7850 kg पर m³, यानी कि 1 m³ वॉल्यूम में हमारा 7850 kg स्टील का वेट आता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस चलते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, एक यूनिट में सबको लेकर आना है। तो उसके लिए हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे mm एंड m³ में, मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे mm में और m³ को हम कन्वर्ट करेंगे mm³ में। तो जैसे कि आप सभी को पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm हमारा होता है, क्लियर है क्या। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, अब मुझे m³ को mm³ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे m³ यानी कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, अगर मुझे इसे mm³ में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, यानी कि 1000 mm इंटू 1000 mm इंटू 1000 mm, इससे मेरा यहाँ पर सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन होगा। नेक्स्ट स्टेप जो मेरा रहेगा उसके लिए सबसे मुझे इस वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करना है। तो पाई बाय 4 d² 1 मीटर को हमने लिख लिया 1000 mm, क्लियर है। 7850 kg पर m³ था हमारा फॉर्मूला, तो हमने उसे कन्वर्ट करना है kg पर mm³ में। तो m³ से mm³ में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 को 3 बार यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे। अब मैंने नीचे क्यों किया, क्योंकि kg पर mm³ हमारा यहां पर यूनिट है। नेक्स्ट स्टेप जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इस पूरे के पूरे वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा d², क्योंकि d को हमने कांस्टेंट रखा है, हमको d के रिस्पेक्ट में आंसर चाहिए कि ये सारे हमारे डायाज हैं। तो d² इंटू 0.00616225 हमारा आंसर आता है। अब मुझे इसे कन्वर्जन फैक्टर यानी कि एक फ्रैक्शन फॉर्म पर लेकर आना है, तो उसके लिए मैं मैथ्स का इस्तेमाल करूँगा। दैट इज अगर मैं इस 0.00616225 को किस तरह से और लिख सकता, तो मैं इसे लिख सकता हूं d² अपॉन 1 अपॉन 0.00616225। अगर मैं इसको, या तो मैं इसको इस तरह से लिखूं या इस तरह से लिखूं, इसका दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। जैसे मैं इस इक्वेशन d² अपॉन 1 अपॉन 0.00616225 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर यहां पर निकल कर आ जाता है d² बाय 162। ये हमारा
डेरिवेशन है यूनिट वेट ऑफ बार कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि अगर मैं एक यूनिट एक मीटर की बार किसी भी डाया की, यहाँ पर जो भी मेरे डाया अवेलेबल हैं, किसी भी डाया की एक मीटर की बार की अगर कटिंग करवाता हूँ तो उसका जो वेट आएगा वो निकल के आ रहा आएगा डी स्क्वायर बाय 162। ये रहा इसका डेरिवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको यहाँ पर जब यूनिट कन्वर्ट करते हैं हम, इस पार्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जिससे कि आपका डेरिवेशन डी स्क्वायर बाय 162 आता है। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें, इसमें और कुछ स्पेसिफिकेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूनिट वेट ऑफ रेनफोर्समेंट बार कैसे हम और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमने फॉर्मूला लगाया वेट ऑफ सर्कुलर बार, ध्यान देना है जो अभी हमने डेरिवेशन किया है प्रॉपरली पूरा का पूरा वो किया है सर्कुलर बार के लिए, तो इसका फॉर्मूला आया डी स्क्वायर बाय 162 इनटू लेंथ ऑफ बार, जो भी आपकी लेंथ जितनी भी लेंथ की, अभी हमने 1 मीटर लिया था यूनिट, आप जितनी भी लेंथ के लिए लेंगे यहाँ पर आप मेंशन करेंगे तो आपका टोटल वेट कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें डी स्क्वायर, यहाँ पर हमेशा ध्यान दे रहे हैं डी में, डी स्क्वायर की जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एमएम यूज करना है। यहाँ पर वैल्यू यूज होगी जैसे कि डी स्क्वायर में हम रख सकते हैं 8, 10, 12, 16 जो भी डाया आप यूज कर रहे हैं। लेंथ यहाँ पर हमेशा लेंथ होगी मीटर में, जो भी मीटर की बार आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पर नोट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझना है कि ओनली फॉर सर्कुलर बार, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर बार के लिए ही ये फॉर्मूला यूज होता है। जैसे हम इस फॉर्मूले की हेल्प से एक मीटर के लिए सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज कन्वर्ट होकर आ जाती है, यानी कि 8 mm की 0.395 kg पर मीटर, यानी कि एक मीटर बार अगर मैं काटता हूँ तो उसका वेट होता है 0.395। उसी तरह से आपको 10 मीटर, 10 mm, 12 mm, 16, 20, 25, 32 और 36 mm बार की जो यूनिट वैल्यूज, यानी कि एक मीटर की जो वेट की वैल्यू है, ये आपको हमेशा याद कर लेना है, जो कि आपके इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपके प्रोजेक्ट में वेट को कैलकुलेट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये पार्ट रहा पूरा का पूरा डेरिवेशन का और हर एक डाया के बार का यूनिट वेट। इस वीडियो को आप पॉज करके इस सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप और कौन कौन से टॉपिक्स में मेरे साथ वीडियो जानना चाहते हैं, मेरे साथ अपनी लर्निंग बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, दैट इज टोटल वेट ऑफ स्टील इन अ प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट में कौन कौन से पार्ट्स हमारे यूज होते हैं, अगर हम बात करें तो स्टिरअप्स, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस एंड छज्जा, इस सारे के सारे हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जिसमें रेनफोर्समेंट का यूज़ होता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से पूरे प्रोजेक्ट की स्टील को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपको एक एक्सेल के हेल्प से दिखाता हूं। तो इंजीनियर्स, आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक्सेल है जिसमें कि प्रॉपरली यहां पर हर एक पार्ट की कटिंग लेंथ निकाली गई है, इसका थंब रूल निकाला गया है और उसी के साथ साथ पूरा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट भी निकाला गया है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे इसका पूरा टोटल प्रोजेक्ट से स्टील कैलकुलेट किया जा सकता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहां पर फुटिंग, मेरे पास एक फुटिंग है जिसमें कि F1 फुटिंग है, उसमें दो डायरेक्शन में बार लगी हुई है, एक RA डायरेक्शन में, एक RB डायरेक्शन में। ये फुटिंग F1 फुटिंग का नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि 30 नंबर ऑफ आइटम्स है ये F1 फुटिंग के, तो दोनों डायरेक्शन में बार भी 30-30 लगी। यहां पर डाया ऑफ बार 12 यूज किया गया है, नंबर ऑफ बार्स एक डायरेक्शन पर आई है 11 और RB डायरेक्शन पर भी 11 आई है। इस RA डायरेक्शन बार की कटिंग लेंथ है 1.75, मैं आपको और थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको और आसान हो समझने में, 1.75 और RB डायरेक्शन की 1.73। तो टोटल लेंथ के लिए हमने फॉर्मूला लगाया यहां पर प्रॉपरली कि कटिंग लेंथ इनटू नंबर ऑफ बार्स इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, कि कितने नंबर ऑफ फुटिंग्स हमारे लग रहे हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ बार लग रहे हैं और टोटल कटिंग लेंथ कितनी है, उससे मेरे पास टोटल लेंथ आ जाती है इस फुटिंग F1 में RA डायरेक्शन की, कि टोटल लेंथ कितना हमारे पास लगने वाला है। तो इससे जैसे कि जो हमने फॉर्मूला देखा कि हमारा यूनिट वेट अब 12 mm का है, तो उसके लिए यूनिट वेट आपने क्या याद किया है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर देखिए 0.889 इसका यूनिट वेट है, मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ, यहाँ पर ध्यान दीजिए कितनी लेंथ है हमारी टोटल, जब मैंने इस सारे वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो 577.5 मीटर टोटल लेंथ हमारी आ रही है। तो इससे अगर मुझे वेट कैलकुलेट करना है, क्योंकि स्टील तो हमको वेट में ही मंगाना होता है, तो अगर इसके लिए मुझे वेट कैलकुलेट करना है तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पर मेरे पास टोटल वेट निकल के आ जाता है 513.33
केजी, यहाँ पर देखिए टोटल वेट आ गया केजी में। और जैसे मैं यहाँ पर मेरा वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरा ये 12 एमएम बार के वैल्यू में पुट हो जाता है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट का हमने पूरा बीबीएस बनाया है उसमें 8 एमएम, 10 एमएम, 12 और 16 एमएम के बार यूज़ हुए हैं। तो इस तरह से आपको वेट कैलकुलेट करने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको पूरे प्रोजेक्ट का स्टील निकालना है तो उसके लिए आपको पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल, जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा हमने एक्सेल के हेल्प से बनाया और साथ ही साथ इसको कैलकुलेट करके बनाया है। तो ये पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल पहले आपको बनाना पड़ेगा, जिसके हेल्प से आप टोटल नंबर, डाया, नंबर ऑफ बार्स, कटिंग लेंथ, ये सारी चीज़ें निकालेंगे, तब आपको हेल्प करेगा ये यूनिट वेट टोटल आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट को निकालने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल 23,52,496 रुपये का हमारा टोटल स्टील यूज़ हुआ है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में, जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। आप भी ये सारी की सारी चीज़ निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। आप या तो अपने किसी रिलेटिव से सीखिए जो आपको ये सारी चीज़ सिखा सकता है, अपने सीनियर से सीख सकते हैं अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, या फिर आप किसी नियर अराउंड कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर ये सारी की सारी चीज़ें सीख सकते हैं, इंजीनियर से रिक्वेस्ट करके अगर वो आपको सिखा दे, और या फिर किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपको ये सारी की सारी पार्ट्स पर ट्रेनिंग दे, क्योंकि यही है जो आपको आगे लाइफ पर यूज़ होगा और यही पार्ट हैं जो आपको आगे करियर पर हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए। मैं ये नहीं बोलता आप कहीं से भी सीखें, लेकिन अगर एट दी एंड आपको कहीं से भी सपोर्ट या हेल्प ना मिले तो सिविल गुरु जी से ज़रूर आप ये सारी की सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सिर्फ आपको कॉल करना है 9111001234 पर, और साथ ही साथ सिविल गुरु जी का जो एडवांस कोर्स है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, जिसमें कि आपको एड ऑन स्टैड प्रो, 3DS Max, प्राइमावेरा, DPR और जॉब डिटेक्टिव भी ये एड ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट सिविल गुरु जी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके जो मेन कंटेंट्स है दैट इज हम बात करें प्रैक्टिकल में एस्टिमेशन, बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग। और सॉफ्टवेयर स्किल्स की बात करें तो ऑटो कैड, रेविट, गूगल स्केचअप, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ई टाइप, स्ट्रक्चरर एंड रेज्यूम मेकिंग, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सिविल गुरु जी के प्लेटफॉर्म से मिलती है। आप सीख कहीं से भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे प्रोफेशनल ट्रेनर्स के साथ और हर एक चीज़ को एग्जैक्ट टू द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सीखना है तो आप कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के साथ सीख सकते हैं। कॉल करिए 9111001234 पर, लिंक भी इसका नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। और ये पूरा का पूरा मार्केट अमाउंट इंजीनियर 60,000 रुपीज इस इतने सारे पूरे के पूरे स्किल्स का, लेकिन सिविल गुरु जी आपको केवल प्रोवाइड करता है 14,847 रुपये में सिर्फ और सिर्फ। इसका कोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, आपको सिर्फ कोड यूज़ करना है गुरु जी, GURUJI, जैसे ही आप कोड यूज करते हैं तो 60,000 रुपीज का कोर्स हो जाता है सिर्फ 14,847 रुपए का। इंजीनियर साहब को सीखना तो पड़ेगा ही, आप किसी से भी सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन लर्निंग जरूर इंक्रीज करिए। सारी की सारी चीज आपके लिए सिविल गुरु जी प्रोवाइड करता है एक ही प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको मिलता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी, जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस के साथ। सो इंजीनियर्स, आप अपनी लर्निंग और अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए हो जाइए तैयार, और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप और कौन कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पर मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, करना है खास तो चले हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।